गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल धीरे धीरे झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों आज का जो प्रॉपर्टी है ये महावीर एक्जोटिका का 3 BHK फ्लैट जो है, मैं आज उसका आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। फ्लैट में थोड़ा सा फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, जैसे कि आप अभी फ्लैट में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बट आपको इतना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद कि इनका 3 BHK फ्लैट कितना बड़ा है, कितना स्पेशियस है। तो चलिए होपफुली आपको ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा और पूरा वीडियो देखेगा। मैं इसमें कारपेट भी बताऊंगा, प्राइसिंग भी बताऊंगा, कब पोजीशन है इसका पूरे टाउनशिप का, कैसे कैसे पोजीशन है, सारे कुछ डिटेल्स आपको दूंगा। और जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी अपलोड करूँ प्रॉपर्टीज़ का वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इसका पूरा जो एक मॉडल है पूरा टाउनशिप किस तरह से बनने वाला है वो आपको मैंने दिखाया वीडियो के स्टार्ट में। फिर मैंने आपको सैंपल फ्लैट दिखाया 3 BHK का। तो आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 BHK फ्लैट बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं, बट आप अगर जोड़ी में लेना चाहें 2+2 तो अच्छे ऑप्शन है, 2+1 तो अच्छे ऑप्शन, बट 3 BHK बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, आपने ये व्लॉग देखा होगा तो आपको आई होप जो सैंपल फ्लैट मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा सा फिनिशिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इतना तो कंप्लीट है कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा। आपको आई होप कि आपको ये 3 BHK फ्लैट जो है पसंद भी आया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो कारपेट है वो 700 का है, रेरा कारपेट, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है 87 लाख ऑल इंक्लूसिव। ये दोस्तों इसका जो, जैसे कि आपने देखा कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने आपको बताया, दो टावर ए और टावर बी का कंस्ट्रक्शन जो है लगभग स्लैब वाइज तो कंप्लीट ही हो गया है। बिल्डर का टारगेट है कि ये साल के एंड तक कैसे पोजीशन दे, बट मे बी 2-4-6 महीना आगे हो भी सकता है, कह नहीं सकते, बट बिल्डर का टारगेट है कि ये साल में पोजीशन दिसंबर तक मिल जाए इसको। तो ये आपको मैंने प्रोजेक्ट का कारपेट डिटेल बता दिया। अब मैं आपको बता देता इसके एमिनिटीज डिटेल। इसके अंदर दोस्तों 40+ एमिनिटीज है जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज होगी, स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, एमपी थिएटर वगैरह वगैरह बहुत सारे एमिनिटीज हैं। तो आई होप कि ये एमिनिटीज वाला डिटेल भी आपको पसंद आया होगा। अब मैं दोस्तों आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बता दूं, ये My1 कंस्ट्रक्शन से ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। फ्लैट के अंदर जो टैप वगैरह, वॉशरूम सब में जो आपने फिटिंग देखा, सारी जगुआ फिटिंग्स है, सारे एक अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में, एफोर्डेबल सेगमेंट में एक अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो पोजिशन डिटेल जो टावर ए और बी का जो है वो ये साल एंड में है, मे बी 2-3 महीना आगे हो सकता है,
बट टावर सी और डी का जो है वो आपको 2025 एंड में या 2026 मार्च में मिलेगा आपको। तो ये था दोस्तों प्रोजेक्ट का डिटेल। मैं आपको लोकेशन का डिटेल आपको बता दूं, मेट्रो स्टेशन मुश्किल से 10 मिनट के दूरी पे है। खारघर में जितने भी स्कूल्स कॉलेज है सारे 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, कॉन टेम्पल, सब कुछ 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपको ये प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे। पुणे NH हाईवे जो है उसे प्रोजेक्ट बहुत पास में है। यहाँ से पुणे एक्सप्रेस वे मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। खारघर रेलवे स्टेशन तकरीबन जो है 7 to 8 किलोमीटर होगा और मेट्रो स्टेशन तो मैंने आपको बता दिया 10 मिनट की दूरी पे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला है वो तकरीबन यहाँ से आधा घंटे की दूरी पे बाय ड्राइव, मतलब 25 मिनट पकड़ के चले मैक्सिमम। तो ये था दोस्तों इसका लोकेशन के आसपास का डिटेल। होपफुली ये ब्लॉग मैंने आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश किया और आपको समझ में आया ही होगा। तो जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा कि मैं जो भी ब्लॉग अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। आज के लिए बाय।